हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर अबाउट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस ऑफिस 2010 प्रोफेशनल के वॉल्यूम एडिशन को हम कैसे जो है एक्टिवेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि जो है एमएस ऑफिस एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे करना है। यहां पे मैं हेल्प में जाके आपको दिखा देता हूं कि प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड जो है यहां पे दिखा रहा है मेरे एमएस एक्सेल में। तो इसका मतलब है कि मेरे को अपने एमएस ऑफिस को जो है एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है आपको रन करना है, ठीक है। कंसोल आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको जो जो कमांड्स बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एकदम केयरफुली इन कमांड्स को जो है एंटर करना, तभी जो है ऑफिस जो है एक्टिवेट होगा। और सभी कमांड्स का जो है मैं आपको मतलब भी बता दूंगा यहाँ पे क्या है। आपको सबसे पहले इस कोड को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये कोड क्या करेगा फ्रेंड्स, सिर्फ ये चेक करेगा कि आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड है। 32 बिट है, 64 बिट है, ऑटोमेटिक जो है उस पाथ पे ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे केस में 32 बिट है, तो ऑटोमेटिक जो है इसने वो पाथ जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद जो है हमें इस कमांड के थ्रू पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर का जो एमएस ऑफिस है उसका लाइसेंस डिस्प्ले स्टेटस क्या है, यानी कि वो कितने दिन के लिए अभी एक्टिवेट है या जो भी उसकी टाइमिंग है, सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं 25 डेज़ के लिए बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर में जो अभी फ़िलहाल में एमएस ऑफिस है वो 25 दिन के लिए इतने मिनट के लिए एक्टिवेट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हमें नेक्स्ट कमांड डालनी है। इसके अंदर एक प्रोडक्ट की जो है इंस्टॉल करनी है। तो इस कमांड के थ्रू जो है आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट की को इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे केस में जो मैं प्रोडक्ट की यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये काम ना करे तो आप दूसरी प्रोडक्ट की गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एमएस ऑफिस 2010 की एमएस की करके ऐसे सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारी कीज़ आपको मिल जाएगी। उसको जो है आपको की को एंटर करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। अब जो है आपको इस कमांड के थ्रू जो है एक होस्ट को जो है सेट कर देना है, ठीक है। सेट होस्ट sa.now.im, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा सक्सेसफुली अप्लाइड सेटिंग। तो आपने जो जो सेटिंग्स अप्लाई करी है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गई है। अब आपको जो है एक पोर्ट को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे जो है इस कमांड के थ्रू जो है आपको एक पोर्ट को जो है यहाँ पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर है 1688, ठीक है। नहीं तो आप पोर्ट की लिस्ट भी देख सकते हैं, ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है हमारे सारे बेसिक ऑपरेशंस जो है अप्लाई हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे आ गया लिखा हुआ सक्सेसफुली अप्लाइड सेटिंग्स। अब जो है हमें इस सारे मेथड को जो है एक्टिवेट करना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसके लिए इस कमांड को जो है आपको एग्जीक्यूट कर देना है और आपका एमएस ऑफिस जो है अब एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है फ्रेंड्स, पहले आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है और चेक कर लेना है कि ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही अगर आपको लिखा आ जाता है कि इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट एक्टिवेशन सक्सेसफुल फॉर 180 डेज़, ठीक है। 180 डेज़ बाद जो है आप दोबारा से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से दोबारा से 180 दिन बढ़ जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो देखिए हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो है इससे पहले जो है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका लाइसेंस डिस्प्ले स्टेटस क्या है। जो कमांड हमने पहले अप्लाई करी थी उसी को अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, सी स्क्रिप्ट ओ एस पी पी डॉट वी बी एस स्पेस स्लैश डी स्टेटस, ये जो है डिस्प्ले स्टेटस शो कर देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 180 डेज़ के लिए हमारा एमएस ऑफिस जो है सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे हेल्प में जाके हम इसका एक्टिवेशन देखते हैं, तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, प्रोडक्ट एक्टिवेटेड दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप के एमएस के थ्रू एमएस ऑफिस को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना, ये खाली जो है वॉल्यूम एडिशंस को ही एक्टिवेट करता है। अगर आप रिटेल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको वॉल्यूम एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।